हेलो एंड वेलकम टू वर यूट्यूब चैनल गाइस हमने सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका जो साइंस पार्ट ऑफ योर सिलेबस है उस पर सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी हमने फाइव लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं तो आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर सिक्स रहेगा एंड दिस लेक्चर विल भी बेसड ऑन योर टॉपिक मैंशन इन यूर सेलेबस दैट इ एवोरमेंटल पोलूशन तो एनवयरमेंटल पोलूशन पर आज हम डिटेल एम से यूज़ करेंगे ताकि इस टॉपिक का आपको अच्छे से रिविजन हो जाए तो जितने भी इस बार एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसके अलावा हमने जो है जी के विथ स्पेशल रेफरेंस टू तो जम्मू एंड कश्मीर पर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें अराउंड नाइन लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं और इस सीरीज़ में हमने जितने भी प्रीवियस ईयरस पेपर्स के कोश्चन थे तो उनको भी डिस्कस किया हुआ है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगी इसके अलावा हमने जो आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी है मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी है फॉर एवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र जनरल असिस्टेंट एज वेल एज़ पटवारी तो उस पर भी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है तो ऑलरेडी हमने उस पर हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है तो ऑलरेडी हमने दो मॉक्स अपलोड किए हुए हैं तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं तो आप वहाँ से जाके आप अपनी इस पार्ट ऑफ सिलेबस की प्रैक्टिस कर सकते हो तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पोलूटन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी एयर पोलूटेंट है ऑप्शन ए इज ओजोन ऑप्शन बीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन सी इज़ पेरॉक्सी एस्थिले नाइट्रेट ठीक है पेरॉक्सी एस्टिले नाइट्रेट जिसको पैन कहते हैं और थर्ड जो है इट इज फॉर्मा फॉमा लाइट ठीक है फॉर्म लाइट ठीक है इट इज वन इट इज आल्सो वन ऑफ द प्लूटेंटस जो पेंट्स वगैरह से निकलता है या जो वार्निश पेंट वगैरह हम घर में करते हैं वहां से जो प्लूटेंट निकलता है दैट इज द फॉर्मा लेहाइट्रे तो इनमें से जो प्राइमरी प्लूटेंट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द सल्फ़र डाइऑक्साइड थोड़ा मैं आपको यहाँ पे जल्दी बताता हूँ जो एयर पोलूशन है उसमें प्लूटेंट जो होते हैं दो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स जो प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं इनमें यूजअली आता है एनओ एक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड वह है सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड आपका आता है कार्बन मोनऑक्साइड ठीक है कार्बन मोनोक्साइड आपका पार्टिकुलेट मैटर आता है इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी आप इतना याद रखोगे कि प्राइमरी प्लूटेंट में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से सेकेंडरी में यूजुअली आपका आता है ओजोन, वी हैव एसड्रेन ठीक है वी हैव स्मॉग वी हैव पैन ठीक है पैन पेरॉक्सी एस्थले नाइट्रेट ठीक है पेरॉक्सी एस्थले नाइट्रेट दीज ऑर द सेकेंड्री प्लूटेंटस तो ये सारे जो है ओजोन पैन uh, और फॉर्मॉलहाइड्रेट तो ये सारे क्या है दीज ऑर वी कैन सी द सेकेंड्री प्लूटेंटस तो इसमें जो प्राइमरी प्लूटेंट है दैट वॉज ओनली द सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राइमरी प्लूटेंट्स में इंक्लूड है सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है इन चीजों को हम आ, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ rain इज द प्रेजेंस ऑफ which गैस इन द atmosphere? हमें बताना है कि मेन of ऑफ rain है क्या ठीक है मेन कॉज ऑफ rain है क्या तो मेन of ऑफ rain है क्या और इनमें से किस गैस की प्रेजेंस होती है एटमोसफेयर में ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज मिथेन ऑप्शन सॉरी यहाँ B option बी ऑप्शन इज मीथेन सी इज सल्फर डाइऑक्साइड, डी इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम रेन की बात करेंगे ठीक है रेन की बात करेंगे देर आर टू गैसेज वे आर एस ओ टू एंड एन ओ टू दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन इट इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस वन इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये जब एटमोसफेयर में रिलीज होते हैं एंड दे मिक्स वी कैन से ये रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं और एंड दे फॉर्म द एसिड रेन दैट इज़ द एस टू एस ओ फोर या एन एच ओ थ्री फॉर्म करते हैं तो जिसकी वजह से जिसका बहुत ज़्यादा नगेटिव इम्पैक्ट हैं हमारी लाइफ पे ठीक है हमारी लाइफ पे तो मेन जो है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड खाली मेशन है सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके अलावा आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसमें आएगा ठीक है तो देर आर वेरी सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड्रेन ठीक है एक इसमें जो है स्किन प्रॉब्लम होती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज़ होती हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो डिक्रीज होती हैं अगर हमारे फ्रूट ट्रीज़ वगैरह होंगे जैसे हमारे एप्पल या मैंगो ट्रीज़ हैं उनमें जो है अर्ली फॉल ऑफ फ्रूट्स होता है अर्ली फॉल ऑफ फॉल ऑफ फ्रूट्स होता है ठीक है या um, जो है वो कम निकलता है उसके अलावा जो है जो हमारे ये मोनोमेंट्स वगैरह होते हैं हेरिटेज मोनोमेंट्स होते हैं तो उन पर जो है करोजन लग जाता है ठीक है एंड ताजमहल इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यू कैन सी दिन तो एसिड ड्रेन के इफेक्ट से जो है ताजमहल जो है एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से उसमें करोजन आया है ठीक है तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ एसिड ड्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ नैट वेरी गैस ठीक है सो ऑप्शन सी हीयर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प प्रोड्यूस वाटर पोल्यूशन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कौन सी प्रैक्टिस जो है हमें हेल्प करेगी किसमें वाटर पोलूशन रिड्यूस करने में ऑप्शन ए इज यूजिंग केमिकल फर्टिलइजर ऑप्शन बी इज डिस्पोजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इज रिवर्स ऑप्शन सी इज ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज ऑप्शन डी इज यूजिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी तो अगर हम सीवेज को ट्रीट करेंगे बिफोर द डिस्चार्ज पानी में जाने से पहले ही वाटर में जाने से पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे जो है हम वाटर पोलूशन को कम कर सकते हैं ठीक है सो ऑप्शन सी विल बी टो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ पोलूशन इज़ कॉजड बाई द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स तो कौन सा पोलूशन होता है किसकी वजह से एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से ऑप्शन इज एयर पुलूशन ऑप्शन बी इज वाटर पोलूशन ऑप्शन सी सॉइल पोलूशन ऑप्शन डी इज़ नॉइज पोलूशन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इट इज़ अ सॉयल पोलूशन जो होता है किसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो हम एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी क्या होती है सॉइल पोलूट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनन ऑफ यूट्रोफिकेशन इज प्राइमरली काज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रेंट्स इन वाटर बॉडीज प्राइमरली विच टू एलिमेंट दो फिनामिनन ऑफ यूट्रोफिकेशन इज प्राइमरी कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रेंट इन वाटर बॉडीज प्राइमरली विच टू एलिमेंट्स तो किन दो एलिमेंट्स की वजह से यूट्रोफिकेशन काज होती हैं ठीक है तो यूट्रोफिकेशन so, क्या है एक्चुअली यूट्रोफिकेशन है नेचुरल एजिंग ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ लैक्स ठीक है बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ठीक है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो हमारे लैक्स वगैरह होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है ठीक है तो ये एक्चुअली जो है जिससे जो है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है उनकी ग्रोथ को वो एनक्रेज करता है और ये दो गैसेस की वजह से होता है टू गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इट इज़ अ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सो विद द टाइम जो है अगर न्यूट्रेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनमें बढ़ जाएंगे तो इससे जो है एनकरेज होती है ग्रोथ ऑफ द एक्टिक ऑर्गेनिज्म ठीक है एक्टिक ऑर्गेनिज्म और इस प्रोसेस को जो है नेचुरली अगर हम देखेंगे इट डजेंट टेक टू थ्री ईयर्स और टेन ईयर्स हंड्रेड ईयर इसको जो है इट टुक मे बी मोर दैन थाउजेंट ईयर इसको मोर दैन थाउजेंट ईयर्स लगते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन बट हाउ एवर अभी जो ह्यूमन uh, एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उससे जो है ये एजिंग प्रोसेस जो है थोड़ा एक्सर्रेट uh, हो गया है थोड़ा एक्सरेट हो गया है इसको जो है एक्सर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं एक्सर यूट्रोफिकेशन ठीक है सो द टू गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन इज द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नेक्स्ट यूजली नॉइज पोल्यूशन में आता है वी हैव इंडस्ट्रियल साउंड ठीक है इंडस्ट्रियल साउंडस वह कंस्ट्रक्शन साउंड ठीक है कंस्ट्रक्शन साउंडस वह हाउस होल्ड साउंड वह स्ट्रीट ट्रैफिक साउंडस तो सॉइल सॉरी नॉइज पोलूशन की वजह से इट काज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ठीक है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं स्लीपलेसनेस होती हैं हार्ट बीट वगैरह को इंक्रीज करता है या ब्रीथिंग पैटर्न को अल्टर करता है ठीक है तो मेन जो प्रॉब्लम uh, है इसमें इट इम्पेयर्स जो हेयरिंग एबिलिटी होती है हेयरिंग एबिलिटी होती है उसको इम्पेयर करता है ठीक है हेयरिंग एबिलिटी को ठीक है द इज वेर समेट ऑफ वी कैन सी द नॉइज पोलूशन ठीक है तो डेसिबल इज यूज फॉर मेजरिंग नॉइज पोलूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मार्क ठीक है फोटोकेमिकल स्मार्क का प्राइमरी सोर्स क्या है ऑप्शन ए इज इंडस्ट्रियल एमिशन ऑप्शन बी इज कम्बक्शन ऑफ फॉसिल फ्योर ऑप्शन सी इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑप्शन डी इज़ ऑप्शन डी इज नेचुरल फॉरेस्ट फायर फोटोसिम केमिकल स्माग का मेन सोर्स जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्बशन ऑफ फॉसल फ्योल जिसकी वजह से वी हैव ये एक्चुअली जो फोटोकेमिकल स्मॉग है जिसको हम धुंध वगैरह बोलते हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ये पोलूशन एक्चुअली एंड इट इज फॉर्म कम्बी ओजीन प्लस एन ओ एक्स प्लस एन ये तीन पोलूटेंट जो हैं इसकी वजह से जो है फोटोकेमिकल स्मॉग होता है और ये मेनली जो है इट दीज और टू द कम्बशन ऑफ ऑजिल फ्यूअल तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग जो है दैट इज द कम्बेशन ऑफ ऑजिल फ्यूअल ठीक है फॉजिल फ्यलस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज़ ऑफ़ द पोलूशन प्रिवेंशन एक्ट पी पी ए इज़ टू ठीक है पी पी ए का पर्पज़ क्या है पोलूशन प्रिवेंशन एक्ट का ठीक है ऑप्शन ए इज़ क्लीन अप अपजारस वेस्ट साइट ऑप्शन बी इज रेगुलेट इमिशन फ्राम इंडस्ट्रियल सोर्स ऑप्शन सी इज प्रमोट द रिडक्शन ऑफ पोलूशन एट द सोर्स ऑप्शन डी इज प्रोटेक्शन एंड डेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्ट एंड डेंजर्ड स्पीशीज तो जो एक्चुअली पी पी ए है ये इसको जो है इसका मेन पर्पज जो है इट इज़ टू प्रमोट रिडक्शन ऑफ पोलूशन एट द सोरस पोलूशन को जो है सोरस पे ही जहाँ से निकल रहा है उसको ही रिड्यूस करना ठीक है दैट वॉज अ मेन पर्पज़ ऑफ़ इट वॉज़ एक्चुअली ए यू एस फेडरल लॉ ये जो है एनेक्ट हुआ है नाइनटी 90, नाइन्टीज़ में तो ये यू एस फेडरल लॉ है दैट वॉज क्रिएटेड जो एक नेशनल पॉलिसी बनी थी फॉर द प्रवेंशन ऑफ पोलूशन एट सोरस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलूशन एट सोरस ऑप्शन सी विल बीक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट आर सी आर ए प्रायमरली डील इज़ विद हमें बताना है कि जो रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट है आर सारे उस ये प्राइमरी किस चीज़ के साथ डील करता है ऑप्शन इज एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑप्शन बी इज हज़ारस वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन सी इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन डी इज वाटर पोलूशन कंट्रोल तो आर सी आर ए जो है इट वॉज एक्चुअली एनेक्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स विद इन कोलाब्रेशन विद यू एस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको ई पी ए कहते हैं ठीक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ यू एस तो ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम और इसका जो है मेन पर्पज जो है दैट वॉज फॉर डीलिंग विद द हज़ारस वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है हजारस वेस्ट मैनेजमेंट तो जो वेस्ट हज़ारस वेस्ट मैनेजमेंट है उसको उसके साथ कैसे डील किया जाए ठीक है दैट वॉज द मेन पर्पज बिहाइंड दिस एक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर डी विल बी कनेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वाटर पोलूशन एक्ट वॉज एनेक्टेडेड इन तो इंडिया में जो है वाटर पोलून एक्ट को कब एनेक्ट किया गया था ऑप्शन नंबर ईज नाइनटीन एटी ऑप्शन बी इज 1987 ऑप्शन सी इज़ 1974 ऑप्शन डी इज 1986 आपको मैं यहां पे क्रोनोलॉजिकली इसका थोड़ा सा ऑर्डर बता दूं इट वाज इन 1974 जिसमें जो है वाटर पोलून एक्ट को एनेक्ट किया गया था वाटर पोलूशन एक्ट को एनेक्ट किया गया था ठीक है वाटर पोलूशन एक्ट को एनेक्ट किया था नाइनटीन में जो है एयर पोलूशन एयर पोलूशन को और जो नॉइज़ पोलूशन एक्चुअली उसको जो है एटी uh, सेवन में जो है बट उसको जो है बाद में अमेंड करके जो है एयर पोलूशन में ही इंक्लूड किया गया था तो नाइनटीन एटी वन में तो बहुत एयर पोलूशन एंड नॉइज़ पोलूशन जो है दीज एक्ट वार नाइनटीन एटी वन एयर पोलूशन एक्ट ठीक है तो नाइनटीन एटी सिक्स जो है वो हैव सॉइल पोलूशन एक्ट सॉइल पोलूशन एक्ट एंड नाइनटीन एटी सिक्स वॉज द सेम दैट इज़

दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेक्चर आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा ये टॉपिक जो है इसमें से मैक्सिमम जो है आपका एक क्वेश्चन आ सकता है आपके साइंस मोशन में तो ये इसको आप आ, मुझे लगता है इतना ही आप पढ़ सकते हो तो दैट इज़ enough फॉर your नॉलेज ठीक है तो सॉइल पोलूशन वाटर पोलूशन इसके मेन सोर्सेज पढ़ने हैं तो बाकी इसके थोड़े से अफेक्ट वगैरह पढ़ने हैं या ये जो ला एक्ट वगैरह आए हैं तो उनका डेट वगैरह पढ़ना है ठीक है बस और ज़्यादा इसी में से इसका क्वेश्चन आ सकता है तो दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चर आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन, टेक केयर बाय